पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज को अपनी एक सेना में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। कमलनाथ ने ऐलान किया कि वो राज्य में नर्मदा सेवा सेना बनाने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी और इस सेना का काम होगा नर्मदा नदी का संरक्षण। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को निमंत्रण देते हुए कहा कि अगर वो भी इस सेना का सदस्य बनना चाहते हैं तो उन्हें खुशी होगी। नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है, नर्मदा सेवा सेना, और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। जो ये जो लिखे पॉइंट्स हैं ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे। और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज़ नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक के बाद एक ऐलान करती जा रही है। बुधवार को कमलनाथ ने किसानों के लिए किसान न्याय योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत किसानों का कर्ज माफ होगा और खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर के पंप को निशुल्क बिजली दी जाएगी। पुराने बिजली बिल माफ होंगे, खेती की लागत को कम करने के पक्ष में कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।